आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बहुभुज के वर्गीकरण तथा बहुभुज के विकर्ण को समझेंगे। अब तक ज्यामिति में हम बिंदुओं, रेखाओं, समतल और कोणों के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम ज्यामिति के एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व बहुभुज के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बहुभुज शब्द दो शब्दों बहु और भुज से मिलकर बना है, जिसमें बहु का मतलब होता है अनेक तथा भुज का मतलब भुजा है। कोई भी बहुभुज तीन भागों से मिलकर बनता है और वो तीन भाग हैं भुजा, शीर्ष तथा कोण। भुजाएं वह रेखाखंड हैं जो बहुभुज बनाती हैं। शीर्ष वह बिंदु है जहां भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तथा दो प्रतिच्छेद करने वाली भुजाओं के बीच का स्थान कोण कहलाता है। यहां इस बहुभुज में छह भुजाएं, छह शीर्ष तथा छह कोण हैं। बहुभुजों के लिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बहुभुज एक सरल बंद वक्र होता है। बहुभुजों के लिए अंतिम परंतु अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बहुभुज दो आयामी यानी 2D आकृतियां होती हैं, अर्थात बहुभुजों के सभी शीर्ष एक समान समतल यानी प्लेन पर होते हैं। बहुभुज तीन आयामी यानी 3D आकृतियां नहीं हैं, परंतु इनके प्रयोग से 3D आकृतियां बनाई जा सकती हैं। जैसे कि कोई डिब्बा बहुभुज नहीं है, परंतु इस डिब्बे की सभी फलक यानी पृष्ठ बहुभुज हैं। तो अब हमारे पास बहुभुज की एक अर्थपूर्ण परिभाषा है जो कहती है बहुभुज केवल रेखा खंडों से बना एक सरल बंद वक्र है। यह सभी बहुभुज हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या एक रेखाखंड से बहुभुज बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही, नहीं बनाया जा सकता। क्या दो रेखाखंडों से बहुभुज की प्राप्ति हो सकती है? जी नहीं, क्योंकि दो रेखाखंडों को जोड़ने से हमें दो भुजाएं, एक शीर्ष व एक कोण तो मिलता है, परंतु यह आकृति बंद नहीं है, जिस कारण यह बहुभुज नहीं है। तो क्या तीन रेखाखंडों से बहुभुज बनाया जा सकता है? हां, तीन रेखाखंडों को जोड़ने से हमें एक सरल बंद वक्र या आकृति मिलती है जिसकी तीन भुजाएं, तीन शीर्ष तथा तीन कोण हैं, जिससे किसी आकृति के बहुभुज होने की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार हम तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों को जोड़कर एक बहुभुज बना सकते हैं। इस बहुभुज की तरह यदि हम बाकी बहुभुजों पर ध्यान दें तो पाते हैं कि प्रत्येक बहुभुज में उनकी भुजाओं, शीर्षों तथा कोणों की संख्या परस्पर समान है। भुजाओं या शीर्षों के आधार पर हम बहुभुजों का वर्गीकरण करते हैं। तीन भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को त्रिभुज, चार भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को चतुर्भुज, पांच भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को पंचभुज, छह भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को षटभुज, सात भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को सप्तभुज,
8 भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को अष्टभुज, 9 भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को नवभुज तथा 10 भुजाओं या शीर्षों वाले बहुभुज को दसभुज कहते हैं। अब अगर हम इस बहुभुज को लें और इस तरह नामांकित करें तो क्या आप शीर्ष ए के आसन्न शीर्षों के नाम बता सकते हैं? शाबाश, शीर्ष बी व शीर्ष एफ शीर्ष ए से आसन्न है। अब शीर्ष ए को उन शीर्षों से जोड़ते हैं जो इससे आसन्न नहीं है। इस षटभुज के सभी शीर्षों के साथ ऐसा करने पर हमें कुछ रेखाखंड मिलते हैं। इन रेखाखंडों को हम विकर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों यानी आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा बहुभुज का अर्थ, बहुभुज क्या होता है, बहुभुज की परिभाषा, बहुभुज का वर्गीकरण, बहुभुज का विकर्ण। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।